Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइज माशाल्लाह से अभी जो है हम लोग जा रहे हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए बाहर, क्योंकि आज मम्मा जान बनाएंगी आलू गोश्त। क्या बनाएंगी? आलू गोश्त बनाएंगी मम्मा जान। तो अभी हम जो जा रहे हैं बाहर जो है सब्जी वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बाहर गर्मी बहुत होगी तो इसलिए मजबूरन रुमाल डालकर जाना पड़ रहा है। आ जाए मम्मा, चलें। तो गाइस गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको बाहर ही देखें कितना मौसम कैसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल धूप, बिल्कुल धूप ही धूप हो रही है। आज हम जल्दी से आ जाइए, आज के ब्रांड न्यू व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द न्यू तो व्लॉग। चलिए यहाँ पर जो है फिर हम लोग वेजिटेबल मंगाए थे, और यहाँ पर जो है मतलब सारी फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं सारी की सारी। तो फिर मम्मा ने बोला आओ जल्दी से वेजिटेबल्स वगैरह लेने चलते हैं, कुछ आलू वगैरह लेने थे मम्मा को जो है, और भी सामान हरी मिर्ची वगैरह लेनी थी तो फ्रेश मिलती है यहाँ पे, तो हम लोग ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है फिर हम लोग सब्जी वगैरह लेने के लिए, मम्मा जो है यहाँ पर आलू वगैरह ले रही हैं, और गर्मी बहुत शदीद हो रही है। पीछे आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी मार्केट वगैरह बनी हुई है, और यहाँ पर जो है फिर सब्जी मार्केट में आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ से वहाँ तक जो है सब्जी मार्केट बनी हुई है, पूरी वेजिटेबल मार्केट। और उसके साथ साथ जो है मम्मा ने बोला हरी मिर्ची बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, आजकल सीज़न भी हरी मिर्चों का गर्मियों में, तो जो है ना मेरी मम्मा जो है हरी मिर्ची वगैरह ले रही थी साथ में। तो फिर मम्मा ने कहा कि जो है ना जाओ कि जो है ना पंसारी के पास से जो है ना कुछ सामान वगैरह भी लेकर आ जाओ, कोरमे का सांचा भी लेकर आ जाओ। तो मैं जा रहा हूँ आगे दुकान के ऊपर कोरमे का सांचा लेने के लिए, और यहाँ पर जो है पूरी सब्जी मार्केट आप देख सकते हैं कितने सारे ठेले वगैरह स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। और जो है ना मतलब तकरीबन यहाँ पे फ्रेश सब्जी बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, कोरमे का चाचा दे दें। और सुनाए सब खैर है? अस्सलाम वालेकुम, ले नहीं है? नहीं, आज सारे कुल्ले खत्म हो गए, हरा धनिया हरी मिर्चें लेते लेते। गाइस यहाँ पर जो है फिर हम लोग जो दही वगैरह जो होता है ना वो इन्हीं से लेते हैं, क्योंकि इनका दही जो है बहुत ज़बरदस्त होता है और मतलब बहुत मज़ेदार होता है। तो आप लोग भी अगर बिस्मिल्लाह सिटी 10 नंबर के रहने वाले हैं हैदराबाद की, तो यहीं से दही लिया करें। और इसके बाद रक्षा बिरयानी भी जो है इनकी बड़ी मज़ेदार होती है दूसरी। और हमारे स्टॉल के ऊपर यहाँ पर जो है चौक के ऊपर इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ होता है, और अभी अभी जो है इनकी देख आई थी वो बहुत ज़बरदस्त बिरयानी होती है, इनकी अखलाक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और गर्म गर्म बिरयानी थी। तो मैंने कहा मम्मा आ जाए जल्दी से रक्षा बिरयानी लेते हुए चलते, मेरे मुँह में जो है पानी आ रहा था तो इसलिए। तो गाइस यहाँ पर जो हमने फाइनली बिरयानी भी ले ली और कचौरियाँ भी ले ली। लाओ मम्मा कचौरियों की थैली दो। Later. तो गाइस फाइनली जो है हम लोग सामान वगैरह लेकर आ चुके हैं, और रास्ते में जो है बिरयानी वाला भी था, तो हमने बिरयानी भी ली, रक्षा बिरयानी, और कचौरियाँ भी ली, और जो कि आपको दिखाया। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद हो रही है, तो मैंने मम्मा को बोला कि आप जो है कुछ मत पकाएं और हम जो है बिरयानी और कचौरियाँ ले लेते हैं। तो अब जो है हम बिरयानी और कचौरी इन्जॉय करेंगे, तो आ जाइए। यहाँ पर जो है फिर मैं रिक्शा बिरयानी जो है इंजॉय कर रहा हूँ, और इनकी बिरयानी जो है बहुत मज़ेदार होती है, बहुत टेस्टी होती है। और ये देखिए, अच्छा इनके साथ जो है इन्होंने रायता वगैरह भी देते हैं ना कुछ इस तरीके से ना, तो उसको आप आराम से खोल लें। तो ये इस तरीके से आप ताकि आराम से जो है रक्षा बिरयानी इंजॉय करें। लुक एट दिस। यहाँ पर जो है हम लोग रक्षा बिरयानी लेकर आए थे, और अब हम जो है रक्षा बिरयानी इंजॉय करें। बहुत मज़ेदार इनकी बिरयानी, बहुत मज़े की होती है। अच्छा ये जो
इनकी बिरयानी बहुत बहुत मजेदार होती, बहुत टेस्टी होती, तो हम लोग जो अक्सर इन्हीं से बिरयानी लेकर आते हैं। ब्लैक मिडनाइट। तो गाइस माशाल्लाह से अभी हम लोग जा रहे हैं होटल वगैरह, तो आज फिर वहाँ का व्लॉग भी आपको दिखाएंगे, तो आ जाइए। गाइस गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मम्मा को हम लोगों ने कह दिया था कि आप कुछ मत बनाएं क्योंकि हम जो है बाहर चलेंगे। जो है शनवारी जो है रेस्टोरेंट के ऊपर आए थे, यहाँ की जो है हमें कढ़ाई वैसे ही बहुत पसंद है और जो है ना कढ़ाई जो है बाहर के खाने का दिल भी चाह रहा था। और मम्मा को मैंने बोला था कि जो है ना हम लोग बाहर चलते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पर जो है पूरी फैमिली जो है साथ बैठी हुई जो है खाना इन्जॉय कर रही है। और कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं मेरी वीडियोज़ में और कमेंट्स में। जजाकल्ला, अल्लाह पाक आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे। तो यहाँ पर जो है बस मामा कह रही थी जल्दी जल्दी खाओ क्योंकि बाबा जो है घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे। बाबा जो है किसी काम से गए हुए थे इसलिए वो हमारे साथ नहीं आए थे। तो यहाँ पर जो है फिर भाईजान और हम लोग सब बैठे हुए जो है खाना इंजॉय कर रहे थे और बंदा फैमिली गैदरिंग के साथ होता है तो और भी मज़ेदार मज़ा आता है बहुत। और जो है ना फैमिली में बातें वगैरह होती हैं, ऐसी मजाक होता है तो उनके साथ बैठ के जो है इंजॉय कर लेते हैं। तो जो है ना अच्छा मुझे कढ़ाई में ही खाना पसंद है, मुझे कढ़ाई में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो क्यों, क्योंकि जो है ना गर्म गर्म कढ़ाई हो रही होती है उसी में खाता हूँ ना मैं, और बाकी सब जो है प्लेट्स में निकाल के खाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोबारा जो है दूसरी कढ़ाई हम लोगों ने और मंगवाई थी जो है गर्मा गर्म बिल्कुल आई है और किस तरह ज़बरदस्त किस्म का जो है ये गर्मा गर्म हो रही है। तो और मम्मी कहेंगे तुम गर्म गर्म कढ़ाई में से खा रहे हो, तो मैंने कहूँगा हाँ मुझे कढ़ाई में से ही खाने दे क्योंकि मुझे ना कढ़ाई में ही खाना पसंद होता है गर्म गर्म। तो कैसे हम लोग जा रहे हैं घर पर, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था, बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी पर जो है वेट भी जो है हम लोग इसलिए हो गए थे कि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था वहाँ पर और जो है ना बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी, तो जो है ना इसलिए फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आज का छोटा सा ब्लॉग